सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अब बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। Tech the fear made up cats get high. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैद फिर, आप देख रहे हैं टेक द फील। लेट स्टार्ट दिस वीडियो। 10 सेकंड में तत्काल टिकट कैसे बुक करें। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी रेलवे की तत्काल टिकट है उसको कैसे बुक करें जो कि बिल्कुल कंफर्म हो, वो भी 10 सेकंड के अंदर। दोस्तों होता क्या है कि जैसे ही कि तत्काल टिकट की जो बुकिंग की जो हो स्टार्ट होती है वो सुबह 10 बजे स्टार्ट हो जाती है, पर जैसे ही आप उसको जाते हैं वहाँ पे बुक करने के लिए जाते हैं, अपना फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म को भरने में कम से कम 1 से 1.5 मिनट लग जाता है। और उसी दौरान जितने भी एजेंट्स होते हैं वो सारी टिकट्स को बुक कर लेते हैं और आपकी जो तत्काल टिकट है वो कन्फर्म नहीं हो पाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू आप आसानी से तत्काल से जो टिकट है उसको कन्फर्म कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 15 सेकंड में। तो उसके लिए करना क्या है आपको कि एक मेरे लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको खोलना है आपने, जिसका नाम है मैजिक ऑटोफिल फॉर IRCTC वेबसाइट। तो इसमें होता क्या है कि आप पहले से ही जैसे तत्काल टिकट आपको पता है 10 बजे शुरू होती है, तो आप 9 बजे इसको फॉर्म को भर कर रख लें और एट ए टाइम जैसे ही आप तत्काल टिकट बुक करने जाएंगे जो फॉर्म होगा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, आप पेमेंट कर सकते हैं विद इन 10 सेकेंड और अपनी जो तत्काल टिकट जो आप बुक करना चाहते हैं वो सबसे पहले बुक कर सकते हैं। क्योंकि जितना आप टाइम लगाएंगे फॉर्म को भरने में उतने ही टाइम में बाकी लोग टिकट्स बुक कर जाते हैं और जो टिकट्स खाली होती हैं वो फटाफट बुक हो जाती हैं। तो आपको जो लिंक दिया है उसको खोलेंगे आप और इसमें एक दो आपको ऑप्शन मिलते हैं, रिजर्वेशन फॉर्म और IRCTC वीडियो। आप रिजर्वेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, फॉर्म पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा पेज आता है, आपको ये फिलअप करना है। चलो हम उसको फिलअप करते हैं एक बार। अपनी एज डाल दीजिए आप इसके अंदर, जो भी आपकी एज है कुछ भी डाल दीजिए, मैं तो कुछ भी एक ऐसी पकड़ के चल रहा हूँ। कौन सी बर्थ चाहिए, सपोज चाहिए मुझे साइड की जो लोअर बर्थ होती है मुझे साइड की लोअर बर्थ चाहिए। फूड चॉइस आपकी क्या है, वेज है कि नॉन वेज है, मैं वेज कर लेता हूँ। सीनियर सिटीजन है कि नहीं है, चाइल्ड बर्थ है कि नहीं। आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देता हूँ क्योंकि आधार कार्ड देना ज़रूरी होता है आजकल टिकट बुक करने के लिए। तो मैं इसको एक बार फिलअप कर देता हूँ ताकि मुझे आगे चल के जब फॉर्म भरना पड़े उसमें कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे आधार नंबर डाल लीजिए, जिस तरीके से आपको जितनी टिकट करनी है जितने पैसेंजर हैं उन सबका नाम यहाँ फिलअप कर दीजिए और सारी की सारी डिटेल्स जो है उनकी एज इट इज़ भर दीजिए। फिर उसके बाद कोई बच्चा है साथ में चाइल्ड है तो उसका भी आप भर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना जरूरी होता है क्योंकि मोबाइल नंबर के ऊपर आपको मैसेज आता है। आपको कहाँ से ट्रेन पकड़नी है वो भी, जैसे आपको दिल्ली से पकड़नी है तो DEL उसका कोड है तो वो हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर आप दे दीजिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर, एक हम रैंडम नंबर डालते हैं। जो भी मोबाइल नंबर है आप डाल दीजिए, उसके बाद इस ऑप्शन को टिक कर लीजिए कि बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ्स आर अलाउड। अगर इसको नहीं करेंगे तो कई बार क्या होता है आपको वेटिंग भी मिल सकती है, मगर तत्काल में वेटिंग बुक होती ही नहीं है, तत्काल में कंफर्म टिकट बुक होती है तो नहीं होती है। पेमेंट मेथड आप चुन सकते हैं यहाँ से, जैसे नेट बैंकिंग है, अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, कैश कार्ड से कर सकते हैं या EMI के थ्रू। तो हम नेट बैंकिंग कर लेते हैं और कौन सा बैंक है, हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपने यूज़ कर लेते हैं। अब क्या है जो आपको ये आई एम फीलिंग लकी का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको लगता है आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप रीसेट फॉर्म भी कर सकते हैं। आप जैसे ही इस पर करेंगे आई एम फीलिंग लकी के ऊपर तो आपके सामने एक पेज खुलता है जिसपे लिखा था है मैजिक ऑटोफिल और IRCTC बुक जो है कंप्लीट हो चुका है। आप एडिट भी कर सकते हैं फॉर्म को। अब आपको क्या करना है, जो मैजिक ऑटोफिल का जो बटन आप ये देख पा रहे हैं इस पर क्लिक करना है, क्लिक करके रखे रखना है, छोड़ना नहीं है, और इसको ड्रैग करना है ऐसे और जो आपका बुक मार्क है उसमें जाके इसको छोड़ देना है। देखिए यहाँ पे हमारे एक बुक मार्क बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो जैसे हम 10 बजे हमारी टिकट खुलती है उस पर जाएंगे और जो आपको टिकट चाहिए, जैसे दिल्ली से मैं पठानकोट करता हूँ PTKC 28 तारीख की कर देता हूँ मैं, 28 अक्टूबर की। तो जैसे सबमिट करेंगे आपके सामने जो पेज खुलता है आपको देखना है कि जैसे आपकी टिकट बुक होती है, जैसे आपको देख पा रहे हैं 31 तारीख की टिकट बुक करनी है आपको, तो आप बुक नाउ के ऑप्शन पे करेंगे। ऑप्शन पे करते हैं आपके सामने ये पेज होता है, इस पेज को फिल करने के लिए बहुत टाइम लगता है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, जो मैजिक ऑटो फिल का जो फॉर्म है उसको एक बार क्लिक करना है और देखिए सारी डिटेल जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुकी हैं, सारी की सारी डिटेल आपकी यहाँ पे फिट हो चुकी है। आपको कुछ नहीं करना है, आप सीधा जाके आपका नंबर आ गया है, आपकी ईमेल एड्रेस सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी फिलअप हो गया, जो में आपको काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है इसमें, अगर जैसे बर्थ प्रेफरेंस में नहीं शो कर रहा तो आप इसमें वे कर सकते हैं, लोअर कर दीजिए जो भी है वैसे। और देखिए ये भी टिक हो गया है, बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ सर अलाउड।
और क्या है सारे के सारे सब चीज़ें इसमें बुक हो गई हैं। अब सिर्फ आपको जो कैप्चा है उसको फिलअप करना है, UPX4T। नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करते ही सॉरी वो एंड हो गया है, ये इसको मैं ठीक कर लेता हूँ एक बार, कभी कभार हो जाता है इसमें। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो टिकट है बुक हो गई है, सीधा हमको पेमेंट करने का बोल रहा है। अब जो है हमारा जो नेट बैंकिंग का जो मेथड था, हम उसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से पेमेंट करेंगे और फटाफट चौके पेमेंट कर देंगे। और विदिन आप देखिए आपको उसमें फिल करने में बिल्कुल भी टाइम लगा, आपको सिर्फ जैसे आपने यहाँ पे एक बार क्लिक किया जो फॉर्म है ऑटोमेटिकली फिल हो गया। कई बार क्या होता है, मैं तो एक पर्सन का नाम लिखा था, कई बार क्या होता है आपकी जो फैमिली की लिस्ट काफ़ी लंबी होती है, 5-6 लोग होते हैं, तो उसको भरने में ही कम से कम आपके 4 से 5 मिनट लगते हैं, और उस 4 से 5 मिनट के बीच में सारी टिकट जो है ऑलरेडी बुक हो जाती हैं। तो ये एक अच्छा तरीका था, सिर्फ आपको एक फॉर्म को भरना है पहले से ऑटोफिल फॉर्म को, उसको यहाँ पे ड्रैग कर लेना है ऊपर उठा के, ऐसे जैसे मैंने किया था वैसे ड्रैग कर लेना है, और जैसे ही आप टिकट के पास जाते हैं आपको इसको एक बार क्लिक करना है, आपका जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा और सीधे जाके आपको पेमेंट करनी है। तो इस तरीके से आप आसानी से जो अपनी रेलवे की जो तत्काल टिकट है उसको बुक कर सकते हैं, जो कि कन्फर्म बुक होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे वीडियो अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको जो हमारे नोटिफिकेशन है वो जल्दी मिल सके कि हमने कौन सा वीडियो अपलोड किया है। और इस वीडियो पे लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।